Christmas is about the birth of Jesus, the Savior of the world. At its core, Christmas is a celebration of love, hope, and compassion. The real message of Christmas is not just about the birth of child Jesus in Bethlehem, but about the rebirth of kindness and understanding. So, here comes the students of Standard 9 with a dance drama conveying the message of Christmas. Sachcha Padosi. पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, कहाँ चला गया, हमेशा ही भटक जाता है। जरूर किसी पेड़ या चट्टान पे चढ़ गया होगा। ओ, देखो झाड़ी में फंसा हुआ है। ओहो, आजा आजा। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, मेरे साथ रहा करो, हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ता है। ओहो, देखो तो कितने कांटे लग गए हैं तुम्हें। अरे ये खून कहां से आ रहा है? ओहो, कितना गहरा घाव हो गया है, पैर में भी लग गई है चोट। अब तो इसे गोदी में ही ले जाना होगा। आ जाओ, आ आओ मेरे पास आओ। कैसे कटरिए हो भैया, 99 भेड़ों को छोड़ इस एक अटके हुए भेड़ के पीछे चले आए। अच्छा बताओ, वैद्य की आवश्यकता किसे होती है? बताओ बताओ। रोगी को। और ये भी बताओ कि प्रेम की आवश्यकता किसे होती है? जो हमसे दूर चले जाते हैं। ईश्वर जाने भैया, ये ज्ञान इस छोटी सी उम्र में कहां से प्राप्त हुआ है? गागा ईश्वर से।
आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। हाँ दाऊद, तुम्हें नहीं लगता कि आज की रात कुछ अलग है? हाँ काका। दाऊद, ये लकड़ियां खत्म हो गई, जल्दी से थोड़ी और ले आओ। ठीक है काका, लाता हूँ अभी। अरे काका, ये उजाला कैसा? दाऊद पीछे। डरिए नहीं, देखिए मैं आप सबके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर बेथलेहम में हमारे मुक्तिदाता, आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। चलो चलो हम बेथलेहम जाकर इस घटना को देखें जिसे प्रभु के दूत ने हम पर प्रकट किया है। अरे सुनो, सुन रहे हो ना? हम बेथलेहम पहुंचने वाले हैं। हाँ बेथलेहम। अपने सामान को सुरक्षित रखना, और खास तौर से वो भेंट का सामान। हमें प्रभु मसीह को भेंट करना है। कोई दया करो, एक सप्ताह से पेट में अन्न का दाना नहीं गया, मैं भूखों मर रहा हूं। कोई तो दया करो। शुरू हो गया दानवीर, मुझ पर दया करो। इस भीषण ठंड में मेरी हड्डियां पिघल रही है, मुझे कुछ कपड़ा दे दो। अरे इसको तो भूख लगाई होगी, लेकिन मैं कहां से लाऊं अब दूध? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई साहब सुनिए, अरे भैया, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है, थोड़ा सा दूध मेरे बच्चे को दे दो, मुझ पे दया कर दो। हाँ 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 माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास दूध रखा है, ये लीजिए। अरे ना समझ, प्रभु मसीह को क्या भेंट दोगे, खाली हाथ जाओगे? अरे देखो हम उस स्थान पर पहुंच गए जैसा कि प्रभु के दूत ने कहा था।
देखो, हमारा मुक्तिदाता मसीह है। हाँ, यही है हमारा मुक्तिदाता। देखो देखो, उधर से कौन आ रहे हैं? ये तो तीनों राजा जैसे लग रहे हैं। अरे नहीं, ये तो ज्ञानी लग रहे हैं। अरे अरे देखो तो, ये लोग भेंट में क्या चढ़ा रहे हैं? सोना, लोबान, इतना महंगा गंधरस। अब हम क्या चढ़ाएं? जो कुछ भी हमारे पास है हम उसे ही चढ़ाएं। अरे किसे दें? जैसे दूसरे लोग नीचे रख रहे हैं वैसे हम भी रख देते हैं। वो क्या देख रहे हो, अब क्या चढ़ाओगे? यूसुफ, यूसुफ, मुझे लगता है बच्चे को ठंड लग रही है, कहीं से कुछ ओढ़ने के लिए। माता जी, ये लीजिए, ये कपड़ा इन्हें उड़ा दीजिए, इन्हें ठंड नहीं लगेगी। आओ आओ भाइयों, हम प्रभु मसीह को दंडवत करें। देखो तो, हमारा दान किसी ने नहीं छुआ, लेकिन तुम्हारा दान प्रभु मसीह ने ग्रहण किया। तुम्हारा दान सबसे उत्तम दान है। प्रभु बलिदान की अपेक्षा प्रेम और दया चाहते हैं। तुमने किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने प्रभु मसीह के लिए ही तो किया। पर माता जी, मैंने ऐसा क्या किया? तुमने भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी पिलाया और नंगे को अपने वस्त्र दिए। तुम्हारा दान सर्वोत्तम है। समृद्धि उसने दिया।
हरदम खुशियाँ हो साथ, कभी दामन ना हो खाली, हम सब की तरफ से विश यू हैप्पी क्रिसमस। ओ माय गॉड, दैट वाज अ वंडरफुल क्रिसमस मैसेज ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। अपने स्टूडेंट्स के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए।